ज्ञान विशेष चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम आयुर्वेद की प्रसिद्ध औषधि अक्कर करा की पूरी जानकारी देंगे, इसकी पहचान कराएंगे। देख लीजिए, ये है अक्कर करा का पौधा। शरीर की कमजोरी को दूर करने के लिए और अंदरूनी ताकत को बढ़ाने के लिए अक्कर करा का सदियों से आयुर्वेद में उपयोग किया जाता है। ये बूटी शरीर की खोई हुई शक्ति वापस लाता है और शरीर को फौलाद बना देता है। अक्कर करा का छोटा सा पौधा होता है जिसे पीले रंग के पुष्प लगते हैं। अक्कर करा नाम की जड़ी बूटी भारत के लगभग सभी प्रांतों में पाई जाती है। ये खेतों में खरपतवार के रूप में उत्पन्न होती है और खाली पड़ी जमीन में भी आसानी से उग आती है। दोस्तों अगर आपको इस प्रकार के पेड़ पौधों की जानकारी में इंटरेस्ट है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल घंटा दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर आती ही रहती है। अक्कर करा का ज़्यादातर उपयोग शरीर की कमजोरी दूर करने के लिए, मर्दानगी बढ़ाने के लिए और नपुंसकता मिटाने के लिए उपयोग में लिया जाता है, लेकिन इसके अलावा भी अक्कर करा कई प्रकार की बीमारियों को दूर करता है। शरीर को ताकतवर बनाने के लिए इसके उपयोग के बारे में बात करने से पहले जानते हैं कि मिर्गी रोग में अक्कर करा का उपयोग कैसे किया जाता है। इसके लिए अक्कर करा, शंखपुष्पी और शहद, इन तीनों को मिलाकर 7 से 8 ग्राम की मात्रा में रोजाना सेवन कराएं। कुछ सप्ताह खाली पेट निरंतर सेवन करने से मिर्गी रोग खत्म हो जाता है। इस प्रयोग से मानसिक तनाव दूर होता है और याददाश्त में भी बढ़ोतरी होती है। अगर किसी को लकवा मार गया हो तो अक्कर करा की जड़ को पीस लीजिए और तेल के साथ मिलाकर मालिश करें। इसके साथ ही रोजाना इसकी जड़ों का चूर्ण बनाकर शहद में मिलाकर खिलाएं। इससे जल्द ही लकवा ठीक होता है। दोस्तों जिन महिलाओं को पीरियड्स के दौरान अधिक रक्तस्राव हो रहा हो और साथ में दर्द भी होता हो तो ऐसे में अक्कर करा के चूर्ण का काढ़ा बनाकर पिलाएं। इससे जल्द ही आराम होता है। दोस्तों अक्कर करा के साथ अश्वगंधा और सतावरी के चूर्ण को रोजाना दूध के साथ सेवन करने से मर्दाना ताकत बढ़ती है, शरीर की निर्बलता और कमजोरी दूर होती है और शरीर ताकत से भर जाता है। इसके अलावा शरीर में थकान होने पर या कमजोरी महसूस होने पर अक्कर करा के साथ लौंग को मिलाकर इसका पाउडर का सेवन करने से जल्दी ही कमजोरी दूर होती है। जिन लोगों को बार बार सर्दी जुकाम और खांसी की समस्या हो या सिर में दर्द की समस्या हो तो ऐसे में अक्कर करा की जड़ों को चबाए। इससे जल्द ही सिर में दर्द की समस्या दूर होती है और सर्दी जुकाम से आराम मिलता है। दोस्तों ये हृदय की बीमारी में भी अद्भुत और चमत्कारिक फायदा देता है। इसके लिए अक्कर करा की जड़ों के साथ अर्जुन की छाल को समान मात्रा में मिलाएं। दोनों को 10 ग्राम की मात्रा में लेकर पानी में उबालकर काढ़ा बनाएं। इस काढ़े का लगातार 1 सप्ताह तक सेवन करने से हृदय की बीमारी दूर होती है और हार्ट अटैक का खतरा टलता है। दोस्तों अक्कर करा के पाउडर को देसी कपूर के साथ मिलाकर रोजाना सुबह मंजन करने से दांतों का दर्द ठीक होता है और दांत मजबूत बनते हैं। अक्कर करा के साथ अंजीर को खाने से पेट से संबंधित सारी समस्याएं दूर होती है। दोस्तों अक्कर करा के 1 ग्राम चूर्ण को शहद के साथ मिलाकर खाने से हिचकी तुरंत रुक जाती है।